इसलिए मैंने न विधानसभा का वोट दिया न लोकसभा का दूंगा। अच्छा, आपने वोट ही नहीं दिया? नहीं, न देंगे, सिर्फ इसी गुस्से की वजह। शिवराज सिंह चौहान ने पैसा दे या खेती वाला, खेती किसानी वाला देखा, 2000 मोदी सरकार दे, मोदी सरकार दे। इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ ना, यह रहना गैस मिली, फॉर्म भरी आए, मोबाइल में आपके मैसेज आया तो नहीं आया। 35 साल के दशा हमारे जमीन में, हमारे बच्चों को, बाल बच्चे को सबको गाली देता है, कोई सुनता नहीं। यहाँ का न पटवारी, न पुलिस, न दरोगा, न तहसील के। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा पर हम हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के दिल यानी गांवों में, जहां पर भारत बसता है। गांव में घूमते हुए हमने कई ऐसे लोगों से मिले, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, और यकीन मानिए आप लोगों को उन समस्याओं के बारे में पता भी नहीं होगा, खासकर वो लोग जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि शहरों में जितने में प्लाट निकल गया वो आपका होगा, मकान बन गया तो मकान आपका होगा। गाँवों में जमीन जायदाद से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम है जो राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई है, और जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में भी दिखाया था, एक हमें इसी क्षेत्र के लोग मिले थे जिन्होंने राजस्व विभाग के करप्शन पर ढेर सारे सवाल उठाए थे। मैं चाहता हूं कि आप अपनी समस्या को थोड़ा अच्छे से बताइए कि क्या आपकी समस्या है राजस्व विभाग से। हमारी समस्या यह है कि कहा था कि गरीबी रेखा मना जुड़ावा, अब तो हमको मिली, हमारे पास जमीन जगह नहीं है। आपके पास नहीं है? हमारी महतारी है, सब डंग गई। अच्छा। हाँ, कम से कम हर, मैं जब से या पंचायती राज भा तब से उसके नाम से पेंशन बनाए खाती गए, लेके पौधे तक रख लेते हैं, आज तक नहीं बने। महतारी मेरे भाई के पैमाने बताती, कितने साल की हैं? 100 साल से ऊपर की हो गई। उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलती? नहीं मिलती, 74 साल का मैं हूँ, मुझको नहीं मिलती। आपको नहीं मिलती? हाँ, क्या वजह है, क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं पटवारी से लिखवाओ, पटवारी कहता है हम नहीं लिखेंगे, पटवारी क्यों दे। अच्छा, हाँ? क्या क्या वजह है, क्यों बोलते हैं सर? बस कह देते हैं नहीं, लिखने का पावर नहीं हमको। अच्छा, तो फिर बाकी दूसरे गरीबों के या दूसरे व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं और उनको वृद्धा पेंशन मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? अब उनका पहले बन गया है, अब भी बन जाता है लोगों का। तो आपके पास आधार कार्ड तो होगा ना आपका? हाँ, है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में तो लिखा होगा आपकी उम्र कितनी है? इसलिए मैंने न विधानसभा का वोट दिया न लोकसभा का दूंगा। अच्छा, आपने वोट ही नहीं दिया? नहीं, न देंगे, सिर्फ इसी गुस्से की वजह से। गल्ला मिल रहा है, न पेंशन मिल रही है हम दोनों आदमी को, न मकान मिल रहा, न गैस मिल रही। अच्छा, गैस बार बार भरता हूँ, भर के चलाता हूँ, 150-200-300 रुपए देता हूँ, हो गया। कोई यहाँ आदमी सुनते ही नहीं है। हम लोग गाड़ी मार सब करते हैं, जमीन में बसे हैं, यहाँ के आदमी कोई न पुलिस न दरोगा न कौन आदमी सुनते नहीं है। इनके सरपंच के 35 साल के दशा हमारे जमीन में, हमारे बच्चों को, बाल बच्चे को सबको गाली देता है, कोई सुनता नहीं। यहाँ के न पटवारी, न पुलिस, न दरोगा, न तहसील के। पैसा भर दे देवा, कहीं तुम्हारा काम करवा दे, खा के उलट जाए। अच्छा। हाँ, अभी मुसहरा हमारे साहब जमीन में बसा, 35 साल के बसा। तो इनके लिए तो कॉलोनी बन रही थी कहीं, हर ग्राम पंचायत में पट्टे की जमीन, पट्टे की जमीन में हमारे बसे, पट्टे की जमीन में कोई हटाता नहीं। 35 साल से ये आवाज तो है ही नहीं है, नहीं आप सुनते। इतनी दार इतनी गाली दे था कि अब कहा बताए। अच्छा। इतनी दार, अब यहाँ लड़का पतो, धेरिया पतो, ये सब है, ऐसा घीनी घीनी गाली देता था, अच्छा लगी आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा। लगेगा की आप बताइए? बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे 35 साल से बसा दिए हैं। किसने बसाया था इनको? जिसकी जमीन में खरीदा वही तिवारी ने बसा दिए। अच्छा। हाँ, खरीदने के बाद? हाँ, खरीदने के बाद। हाँ, अब यहाँ के कोई आदमी नहीं सुनते, सरपंच बोले, आशा बोले, रुको तुम्हारा ये काम कराएंगे, वोट दो तुम्हारा काम कराएंगे। अच्छा, वोट दो काम कराएंगे। साहब बहुत गए दहन, कतौ क्यों सुनता ही नहीं है, ज्यादा कहती रही तो चला गई। अच्छा, आपने कोशिश किया उनसे मिलने की? कोशिश किया। अब नहीं करा उसने। इसके अलावा और कौन सी चीजें, जैसे आपको गैस भी नहीं मिली? नहीं, है साहब, नहीं मिली। कहीं की तुमका मिली, कॉलोनी मिली, साहब कॉलोनी नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला। वही लाडली बहना हमका भर मिला। कितना मिलता है उसमें? 1200 कौन उधर की, 1250 कौन उधर, 1000। अच्छा,
यह घर मिला था, यह कुछ नहीं मिला। तो कई लोग तो आशंका जताते हैं कि चुनाव के बाद ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, तो अब कहाँ कहीं साहब, अब आप जानी, अब हम तो ये आपकी मदद करता है जो 1250 मिलता है। हाँ, अब हाँ 1250 पैसा भरता दे, दिन 1250 तो कहूँ सुनता ही नहीं है। पैसा भर देता हो गया, तो बाकी सिस्टम परेशान ही कर रखा है। परेशान ही होता नहीं हमारे पास ही। अब वोटिंग करो करो, सब जाते हैं तो सब वोट दे, हम सब पहाड़ में जाते तो दे भी हूँ। तो कुछ सोचा है आपने कि मतलब किस आधार पे वोट देंगी, किसको वोट देंगी? अब जब हम साहब कुछ जनता नहीं है कि कहाँ पर दे, कहाँ पर ना दे, तो फिर कैसे देती है, कैसे निश्चित करती है? निश्चित रहा था, जैसे सरपंच अपने गाँव का रहा तो सरपंच के विशेष सरपंच जब आए तो वोट आए लागे की यही पर दहा तुम्हारे काम कराओ वोट द। अच्छा, तो आए तो शाम के, तो कहीं तो सवेरे में नहीं गया। तो विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था, जब विधानसभा विधायक का चुनाव हुआ था तब भी आए थे और बोले इस पे वोट देना। हाँ। तो उनके कहने पे ही आपने वोट दिया था? जब नहीं कही तो साहब तब नहीं करना दे, बाबू जैसे ही आप ही आन तब पहला है कि ये नहीं के दे तब ना दे दे। तो किस में आपने वोट दिया था पिछले विधानसभा में? पंजा में कि कमल में कि कौन से निशान में? अच्छा, तो फिर ऐसे कैसे कि मतलब एक ही घर में दो पार्टी के लिए वोट, कमल में पंजा में? साहब जेका जेके मम्मा ने भाता देखा दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जेका जहां मन होय साहब वही दे दिया। तो कुल मिला के वादा खिलाफी है, चुनाव के समय में अलग अलग तरह से वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हमको वोट दो या जी। तो ये बताइए, अभी तक कोई नहीं बताने आया कि किसको वोट करना है? कोई बताने नहीं। टीवी वगैरह देखती हैं, न्यूज वगैरह? हम कुछ शहर नहीं देखते, हम पढ़े लिखे कुछ है ये नहीं है। ऐसे ही किसानी तकारी थे तब कहा जानी, जब बता देते तो जेका गए देते, नहीं बताते नहीं दे। तो शिवराज सिंह चौहान जी को जानती हैं? हाँ, इनका तो जानी थी। कौन है शिवराज सिंह चौहान? है ना, पैसा दे या खेती वाला, खेती किसानी वाला दे था 2000 रुपया। 2000 मोदी सरकार दे, मोदी सरकार दे। हाँ। और ये जो आपको लाडली बहना का मिलता है वो भी शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था? हाँ। है ना, तो अब तो वो मुख्यमंत्री नहीं है? नहीं। अब नहीं है। हाँ। अब तो दूसरे जने हो गए। हाँ हाँ, दुकान का नाम हुआ मोहन यादव। मोहन यादव तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा ही है, अब जे है तो सब अच्छा ही है, अच्छा के लिए है, हमारे इतना काम करवाए ना तो सब अच्छा ही है। और जब नहीं हमारे इतना काम करवाते तो हम कर, अब यही हम कह देते कि हमारे जब क्यों काम नहीं करवाते तो क्या करें, खराब ही माना। तो जैसा कि आप लोग ईवीएम हैकिंग के बारे में सुनते रहे होंगे, ईवीएम हैकिंग के पीछे कांग्रेस भी ढेर सारा, कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन और उसके साथ में जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो ईवीएम को दोष देते रहे हैं कि मोदी सरकार ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीतती आई है। ईवीएम की हैकिंग का अगर असली उदाहरण देखना है तो यहाँ पे देखना चाहिए कि ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको वोट देना है। भले ही मोदी वहाँ से बैठ के 36 न्यूज़ चैनल के सामने ये ज्ञान देते हों कि हम गरीबों के सामने हैं, गरीब गरीब हमको चुन रहे हैं, ये भी गरीब हैं, कुछ योजनाओं का इनको लाभ भी मिल रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से वोट ये डिसाइड करेंगे या किसको करेंगे। आज भी ये इंतजार कर रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत के सरपंच या इस क्षेत्र के कोई ऐसे इन्फ्लुएंसियल लोग आ जाएं जो इनकी नज़र में बड़े हैं, पावरफुल हैं और जो इनको कन्विंस करवा सकते हैं झूठा वादा दे के कि आप हमको वोट दो या आप इस निशान पे वोट दो, हम आपको चुनाव के बाद में ये काम आपका हम करवाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ईवीएम हैकिंग ही है कि भले ही सरकार विज्ञापनों में हो, वेबसाइट्स में हो, टीवी चैनल्स में हो, हर न्यूज चैनल में छाई हो, प्रेडिक्शन चाहे कुछ भी कहते हो, पर मैं 200% श्योर हूं कि चाहे कोई भी जो पब्लिक ओपिनियन ले रहा है, जो न्यूज चैनल भविष्यवाणी कर रहे हैं, इन लोगों की आवाज उनको पता ही नहीं है कि ये लोग किसको वोट करने वाले हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किससे बात करके लोग डिसाइड कर लेते हैं और बताने लगते हैं इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी या उतनी सीट आएगी। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जीते हुए नेता दुनिया भर के ग्रामर देते हैं, भाषण देते हैं कि हमको जनता ने जिताया है, हम जनता द्वारा चुने गए हैं, जबकि जनता तो ये है, इनको पता ही नहीं है कि किसको जिता रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, काफी विकसित क्षेत्र है ये, जहाँ पे इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये लोकसभा रीवा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि
अगर इनको नहीं पता है तो इस क्षेत्र के 70% गरीबों को नहीं पता होगा कि मोदी सरकार की योजनाएं क्या हैं। पता भी होगा तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा होगा, बल्कि जैसा कि इन लोगों ने आरोप लगाया कि 100 बीघे जमीन का जो किसान है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, उसके घर में लाडली बहना भी होंगी जिनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा होगा, लेकिन जिनको वाकई में आवश्यकता है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही जब बात आती है करप्शन की, तो यहाँ राजस्व विभाग सरकारी सिस्टम में इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि इनकी सुनवाई ही नहीं हो रही है और ये लोग होपलेस हो चुके हैं। इनके घर के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना है कि वो वोट देने जाएंगे ही नहीं। मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश है कि सिर्फ भाषणों से देश नहीं चलने वाला है, देश खोखला होता जा रहा है। कुछ ही लोग हैं जो सरकारी योजनाओं पे अपना अधिकार जमा के बैठे हैं, जैसे कि सरपंच, सचिव, सही कह रहा हूँ ना, जिसको वो चाहते हैं उसको देते हैं। यहाँ पात्रता अपात्रता कोई मायने नहीं रखता है। तो सरकार सिस्टम में बैठे उन ईमानदार लोगों से मेरा ये आग्रह है कि जमीनी हकीकत जानने के लिए जमीन में उतरें, रात में 8 बजे 9 बजे गांवों में घूमें, जिसके लिए उनको भारत सरकार ने नौकरी दी है, जिम्मेदारी दी है जनता ने नौकर बनाया है, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको सरकारी योजनाओं का बिना भ्रष्टाचार के, लाग लपेट के, बिना सरकारी हर सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। अगर ये नहीं हो सकता को अगर कोई बोल देता है कि इस निशान पे वोट देना, तो मैं उसको ईवीएम हैकिंग ही मानूंगा, क्योंकि ये बटन तो दबा रही हैं लेकिन इनके अपने खुद के दिमाग से नहीं, खुद के डिसीजन से नहीं, किसी और के कहने पर। ये पैसा खाए हैं तो उबे करी कहे कि भाई इनका वोट दे, कह दे भाई आप दे, आप तो पैसा ले आ, इनके 50-50 60-60 हजार ले ले हैं, बैठ जाए हैं। तो जैसे, तो फिर आपकी समस्या सिर्फ राजस्व विभाग की नहीं है, आपकी समस्या तो देखा जाए तो जो इस ग्राम पंचायत के सरपंच होंगे वो भी, उनकी भी समस्या है। नहीं तो वो तो जानते हैं आपको कि आप गरीब हैं, आपको जरूरत है, तो आपका नाम जोड़ ही दिए होते। ऊपर नहीं भेजते भाई, ऊपर वाले का दोष नहीं है। भाई रीवा से कलेक्टर आए यहाँ हमारे स्कूल में, अच्छा सारी समस्याएं हमें नहीं, सभी लोग कहे कि जो सरपंच भेज देता है उसी को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, हम उसमें न जोड़ते हैं न काटते हैं। हम क्या जाने कि आपके पास जमीन नहीं है कि गरीब है क्या है। भाई 100-100 बीघा बने का गल्ला मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। माने जैसे आप आए हैं तो आप ठीक कह लाग है कि भाई आपके पास जब कोई कागज जाएगा तब ना आप पास करेंगे। तो सीधे कहें कलेक्टर, कहें कि भाई मैं पास कर देता हूँ जो सरपंच भेज देता है, तो यहाँ तो मुझे दिखी है होगा। तो इनकी क्या समस्या है, क्या आपकी कहीं पहुँच नहीं है इस वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है? चाहे पहुँच मानी चाहे जौन मानी, नहीं भेजते। 100 वर्ष हमारी अम्मा हो गई, हाँ उनको तो वृद्धा पेंशन इमीडिएटली मिलना चाहिए। पहले बैच में सरपंच हुए हैं, उस बैच में मैंने दिया हूँ, अच्छा बार बार देता हूँ, नहीं नहीं बनाते हैं। हमारे मान लीजिए छोड़िए, ये कौन से ग्राम पंचायत में आपकी जगह? मझगवा में नहीं आती, यहाँ अच्छा। सुहागी चालू है, अच्छा पूजे आए रहे हैं कलेक्टर वगैरह, ठीक है कहें कि भाई सरपंच जो भेज देता है जिसका उसको कर देते हैं। भाई तो कितनी बार आप अपने यहाँ के सरपंच को दे चुके हैं? हर सरपंच को देते हैं। अभी जो इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ ना, ये रहने गैस मिली, फार्म भरी आन है, मोबाइल में आपके मैसेज आया तक नहीं आया, गैस नहीं मिली उज्ज्वला योजना का। अब कैसे कही, अब मोदी के हमारे पास नंबर नहीं है, तो जैसे नंबर होता तो मोदी जी से क्या कहते? डायरेक्ट मोदी जी जो आपसे कह रहे हैं, तो आप बोलिए, मैं मान लीजिए मैं ही मोदी हूँ, बोलिए आप, वीडियो तो जानी ही है सबके सामने, क्या कहेंगे मोदी जी से? बस यही कहेंगे कि आप वहाँ से नियम निकाले थे, यहाँ कोई नहीं देता है। तो वो तो बोलते हैं कि अब हमारी सरकार में करप्शन खत्म हो चुका है, जितना हम पैसा भेजते हैं सीधे गरीबों को मिलता है। तो क्या मिलता है गरीबों को? जिसका बना उसको मिलता है, अच्छा जिसका नहीं बना नहीं मिलता है। तो आप लोगों का कार्ड वार्ड ही नहीं बना है? नहीं। राशन मिलता है? नहीं नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता। सामान माने सामान का राशन कार्ड बना है, अच्छा सामान्य का बना है, नहीं बना है। तहसीलदार लगे गए लिख दे, पटवारी से लिखवाइए आप, पटवारी लग गए तो पटवारी का हमको पावर नहीं लिखने का, जब तक पटवारी रिपोर्ट न लगाई तब तक तहसीलदार। तो फिर से आप तहसीलदार के पास नहीं गए? कई बार लाला गए। तो आपने बताया नहीं कि पटवारी तो ये बोल रहा है कि हमारे पास पावर ही नहीं है? भाई तहसीलदार से बोलन तो तहसीलदार साहब ने जब तक पटवारी नहीं लिखेगा तो हम क्या करें। आपका पूरा नाम क्या है? रामानंद कुशवाहा।
रामानुज कुशवाहा हैं आप। आप तो वोट ही नहीं करते हैं तो? नहीं, हम घर वाले केहू नहीं रोकी, जैसे कि हर आदमी स्वतंत्र है, जैसे आप हमका कह जहन हम दूसरे को वोट दे जहन, हम कहबे चाहे सरपंची हो चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, जेकर इच्छा जाए, लेकिन हम नहीं जी। तो जैसे आप कुछ बोल रही थी, जैसे ही मैं आया, आ जाइए थोड़ा आप भी बात करिए। मिलता है किसान जी वाला, आई है लाडली बहन वाला, वो हेड मास्टर है, इसमें बोलते हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, कि मुँह देखी आए कि न हो, बताइए। मुँह देखी है और ये सिस्टम के गाल पे एक जोरदार तमाचा है ना, ये शर्मनाक भी है। न मानिए आप तो आप दिन में आइए, मैं बगाए के बताए आप। अच्छा, चल करके उनको मिल रहा है, ठीक है, हमसे वो नहीं है, उनको क्या मिल रहा है, सरकार का मिला है। सरकार का नहीं है, आपको पता है कि देश के जो कमाने वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों, प्राइवेट नौकरी 25, 30, 40, 50,000 रुपए महीने जो कमाते हैं, वहाँ से टैक्स शुरू हो जाता है। हम जैसे लोग जो ज्यादा कमाते हैं, वो लोग 30% तक टैक्स देते हैं, मतलब एक साल में लगभग 4 से 5 लाख, 10 लाख सिर्फ टैक्स दे देते हैं, इसलिए ताकि आप जैसे लोगों को सरकारी योजना, सरकारी सहायता मिल सके, है ना। हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, टैक्स इसीलिए देते हैं ताकि जिनको, जिनके घर में गैस नहीं है, उनके घर में गैस पहुंच जाए। जो झोपड़ी में रहते हैं, वो दो कमरे के पक्के मकानों में रह लें। लाडली बहना का जो आपको पैसा मिलता है, वो सरकार तो देती है, लेकिन सरकार को देने वाले हम लोग हैं। आप भी टैक्स देती होंगी, कोई भी सामान खरीदती हूँ उसमें टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये आपका हक है, और ये आवाज भी उठानी जरूरी है कि अगर मैं गरीब हूँ, प्रत्यक्ष रूप से पता है सरपंच और सचिव को, तो ये 100% पता होता है ना कि उनके गांव में कौन ज्यादा गरीब है, कौन कम गरीब है, किसको ज्यादा आवश्यकता है। आप जिस गांव के होंगे तो आपको पता है कि कौन गरीब कौन अमीर, सरपंच सचिव को पता है। तो ऐसे सरपंच सचिव को किस तरह से शासन प्रशासन, जैसे कलेक्टर है रीवा में, किस तरह से ऐसे चिन्हित करके और सजा दे सकते हैं, जानते हैं कर्म वही करेंगे भाई। 80,000 हेड मास्टर पाता है, हम मैं शिकायत क्यों करें, हम क्यों करें, हाँ। पहली लाख की हम यह नहीं कह कि कहे पावत है, लेकिन एक दर्द तो है ना कि जिनको आवश्यकता नहीं है उनको मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। काश्तकार समझे ना, आप गल्ला पा रहे हैं, मैं पूरा लाख उनको पक्का मकान मिल रहा है, जय आदमी तय आदमी का कैसे मिले बताइए। जैसे कलेक्टर साहब कहे ना कि सचिव जो है, सरपंच जो है, इसका भेज देता हम फॉरवर्ड कर देते हैं, उन्हें गलती नहीं आए, हम तो कहें कि आपकी गलती है ना। एग्जैक्टली, उसकी जांच कौन करेगा रैंडमली भाई, कंप्यूटर सिस्टम है, आप जांच करिए। तो मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, समय पर रहा ना कि जी भाई टूटर नाटक गल्ला ले रहा है, उसकी जाँच होगी। तो यहाँ पे ये बताइए, जैसे समस्या बहुत है, विपक्ष कहाँ है? विपक्ष होता है ना इस तरह की समस्याएं आप जैसे लोगों को ढूंढ के बताने के लिए, उजागर करने के लिए कि तुम्हारी योजना है। जेके पास पूंजी उस सुनी, अच्छा, पक्की बात आप मान लीजिए। हमारा 75 साल चल रहा है, हम देखे हैं भला, जेके पास डेरा है, वही का सपना है, शेष मनाए पर सरपंच खातिर यही देर बैठे, इतनी देर बात है यार। कहे कि भैया तुम्हार काम करब, क्यों काम हमार हो, हम जायज करे कही, यहाँ कोई नाजायज मार तो है नहीं आपकी। आप आए हैं, आप देखिए, हाँ कि हमारी गलती है कि दूसरे गलती है, कुछ नहीं करे देश में, हम काहे कही। तो जैसे जब गाली बोल रहे हैं कि बच्चों को गाली पड़ती है, आपके बहु बेटियों को गाली पड़ती है, तो एक्सीडेंट हो गया नहीं, आ जाए ऊपर आप पी के आप एक सामने गरियाबर। अच्छा, तो कभी आप लोगों ने पुलिस प्रशासन की मदद लेने की कोशिश नहीं की? पुलिस आज चोर, पुलिस सब करवा बात, उनका पैसा चाहिए, इधर हम आप टांगा से, आप हमका मारी, हम आपका मारे, पुलिस खड़ा है, चला जाइए। अच्छा, जब रिपोर्ट आप करा जाए, उनका फौजी से 500 देख तब आई। अच्छा, ऐसे मामले में देश में पुलिस जो है सबसे, जितना कर्म हो रहा है पुलिस करा रहा है। अच्छा, चोरी चंडाली जितना आए सब, चाहे दरोगा चाहे एसपी हो, चाहे जो उनके मुँह पर हम कह दी, हम डराए नहीं, डराए वाले आदमी ना कि क्या बताई, वर्दी पहरे मनाई तो वह हैं, आपके सेवक ही हैं, देखा जाए तो आपके सेवक ही हैं, नौकर हैं आप। एग्जैक्टली, हम तो कह दी, हम डराए वाले आदमी ना हैं। तो क्या मतलब पुलिस डिपार्टमेंट भी में भी रिफॉर्म की जरूरत है ना, सुधार की आवश्यकता है ना? सुधार हुई लाला, हमारे गाँव में कहे ना, नाम नहीं, अब जही लेके डंडा की पहाड़ बैठी है, आगे बैठी है,
ट्रक वाले को रोक के इसमें हाथ दे के 5 रुपया तो वो आदमी लेता। अच्छा 5 रुपए तक। तो इसकी जानकारी क्या यहाँ थाने में बैठे दरोगा को नहीं होती? सब जानते हैं, जो एसटीएम है उनको नहीं होती होगी। सब जानते हैं, वो भी सोचते हैं कमाई ही लग हमारा हमारे जेब के लिए थे। घोषखोरी लाला ना बंद हुई तो ये हमारा काम कराए ना करा कहा कराए खाए खाए कमाए कर किसी को रहना तो नहीं है। जैसे हमारे पास 1 करोड़ है, आपके पास 1 पैसा है, तो आप 1 पैसा के हिसाब से खाते हो। हम 1 करोड़ खाद बनाना है चावल दावल। सही बात, आजकल जो चावल आप खाई थे हम खाई थे पूरी देश। सही बात है, पहले रहा दुई में रहा था कि मेहमान आ जाए पुन बनावा खाए, अब तो अपना आए तो वह खाए हम खाई भाई आपको। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे मोदी जी के बारे में आप जानते होंगे, आप इतना जागरूक हैं तो जानते होंगे, क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? देखिए मोदी के बारे में ऐसा है कि ठीक है, कानून जो लागू करते हैं ऊपर से लागू कर दे हैं, पर करने वाले यहाँ सरपंच सिक्योरिटी है, तो नाश तो ये कर रहे हैं जो बोलते हैं कि हाँ मुझे भी मिला है भाई, जे का मिला कहा करेगा। मैं शुरू से मैंने भरा हूँ, हम प्राइवेट गैस ले हैं अपने नाव से। अब जैसा ये पतो का या रहा ना शिवराज सिंह कहे की बहनी लड लगी का 1000 मिलन लगा उसका गैसा मिली, ये लोग गए भर दे हैं कहे की भर दीजिए, नहीं आए। राहुल गांधी को जानते हैं? मैं जानते हैं। क्या राहुल गांधी के बारे में क्या जानते हैं, कुछ सलाह उनको? राहुल गांधी इंदिरा गांधी के वंशज हैं। इंदिरा गांधी रही ठीक है, रही जो माने जिस समय रही है वो ठीक है, राज्य चलाए रही। अब राहुल गांधी हो तब पता चला कि चलाएंगे, तो अभी तक तो विधायक तो रह चुके हैं। हाँ, चलावे का बस चला ही हो, वैसे नियम कानून सब वहाँ से निकाल देंगे भाई, देने लेने वाले तो यही है भगवान। अच्छा, भगवान तो यही है, सरपंच सेक्रेटरी पटवारी तहसीलदार, पटवारी जो है तहसीलदार चाहे तो नाच नहीं तो सकता। सीएम जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, तो उन्होंने पटवारियों के लिए एक संदेश दिया था, चेतावनी कि इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए सारे मामले जो चल रहे हैं, नहीं तो निलंबित कर देंगे। क्या लगता है, क्या ये ईमानदारी से हो पाएगा कि जस्ट माइक के सामने टीवी में भाषण देने में अच्छा लगता है? नातिन शादी रही इस तारीख का, एक पहले केसीसी बनवावे गए, बैंक मैनेजर अच्छे हैं, नातिक भेजन सब कागज बना के दे देंगे, कहें कि आप जा करके फर्जी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट पटवारी के लगे गए घोषणा फार्म भरात ना व्यक्ति जमीन पटवारी पे 500 रुपया, पहले कह के 1000 ले तब दस्तखत कर। अच्छा, हमें 2 अक्षर लिख के दस्तखत करना है, फिर नाती से 500 रुपया ले तब दस्तखत करें पटवारी। अच्छा, फिर हम गए बिहान भे, हम डराई नहीं चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर, हम गए थोड़ा दस्तखत कर खातिर मान पटवारी साहब 500 रुपया अपना ले लें, इतना होशियार हैं हम कर्जा ले लिया है, फिर गए फर्जी रिपोर्ट बनवा वकीले हैं भगवान हैं जिन नियुक्त हैं। अच्छा, सचिव तो नहीं वकील। अच्छा, वकील जो है वकील हर बैंक में एक वकील तैनात है फर्ज। अच्छा, फर्ज खातिर। अच्छा, गए 25-26 से कहें की ले दे दे 2600। हाँ, 2600 दे दिए। क्या सर्च करने के लिए? वही फर्ज करने के लिए कि हाँ इनके पास इतनी जमीन है। अच्छा, कहीं कर्जा नहीं है करबो नहीं भाई, नहीं करें कहीं हमारे पास 1 रुपया कर्जा नहीं किसी भी बैंक का। फिर नाती कहें कि लाई ली बटे बड़ी 70,000 दे कहें, तो फिर फर्च नहीं करें जो अच्छा से काट के और लौटा दें, फिर गए तो कहें कि यह हम कहना लौटावे चाहिए, हम कहें दादू लाई जाए अमीर रहा तुम। क्या नाम है उनका वकील का? तो मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये सामान्य काम है, और उसके लिए 2600 आपसे लिए तो दूसरे से भी लेते होंगे? सबसे लेते हैं, खर्च करती है सब कर लेती है। तो मतलब इस तरह से तो बहुत पैसा कमाते हैं। मैनेजर साहब को बताएं कहें कि ये दादा कौन नियम नहीं है, जब तक खर्च कहीं को नहीं देंगे, कहें कि हमको आप खर्च आ जाते हम कल है आपके खाते में पैसा, बैठते आजू बाजू में ही है ना, तो बैंक मैनेजर तो पावरफुल होते हैं, उनसे ज्यादा वकील बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, पर आज तो नहीं बदल तहसील में रहते हैं वकील, रहते हैं कहें दादा जब तक खर्च नहीं होगा, हम कहें हमारे पास दादू कही थे दादू 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया हमका मोदी के रुआ दे दी अपना, पीएम है चाहे राहुल के, हम उनसे बात करब बता जान ना जब ना बाकी सब लोग जान जी का देख। पर आपकी नाराजगी है सरकार से? है ना, सरकार से नहीं सब लोगों से नाराज हैं, लोकल की वजह से। आमा जायज नाजायज देखा, अगर हम नाजायज करे हुई कौन काम में बताइए आप।
चाहे पेंशन नहीं मिल कौन ना जाए मैं किया हूँ, लाइफ नहीं मिलती कौन ना जाए। कौन सा गलत आपने काम किया, कौन सा गुनाह किया है, ऐसा बोलना चाहिए। भाई नागरिक आप भी हैं, आपके लिए ही पैसा आ रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधानसभा में रहा कि पटेल लाई के पर्चा उर्चा आए, भाई ये फॉर्म भर दे, आधार कार्ड दे दे। कांग्रेस सरकार बनी यहाँ मध्य प्रदेश में, तो 1500 रुपया दे तो पेंशन दे सब, 12 सब रखा है मैं। अच्छा, कांग्रेस लेके आइए जरा, कहाँ भरा है देखूं पेपर आपका, ऊपर दिखाएं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अभी ये पेपर लेके आ रहे हैं कि चुनाव से पहले या चुनाव के टाइम में पार्टियां एक फॉर्मेट में ढेर सारे प्रिंट आउट निकाल लेती हैं और ऐसे मासूम लोगों के पास जाती हैं, उनका आधार कार्ड लेती हैं और ये सब फॉर्म भरती हैं इनके सामने, इनको दे भी देती हैं और बोलती हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनी आपको ये पैसा मिलने लगेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में भी किया है चुनाव के समय में। चुनाव से पहले उन लोगों ने कई लोगों को तो गारंटी जो स्कीम निकाले थे वो लोग कि हम जीतेंगे तो करेंगे, उसका फॉर्म चेक तक दे दिए कि आपको हर महीने इतने पैसे मिलने लगेंगे। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती कर्नाटका में, तो अभी वो लोग दर दर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार की स्कीम थी वो भी उनको नहीं मिल रही है। अभी एक और फॉर्म कांग्रेस पार्टी द्वारा भरवाया गया है और ये हमारे पास लेके आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी को ये संदेश है कि इस तरह के स्कैम से वो चुनाव नहीं जीत सकती, कांग्रेस पार्टी को धरातल में काम करना पड़ेगा। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं पेपर के लिए, देखते हैं कि पेपर में क्या है। देख लीजिए ना, गलत हो तो। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये प्रिंट करवाया गया है और इसमें बताया गया है कि नारी सम्मान योजना चलाई जाएगी, इनके नाम से इनका पंजीयन, आधार नंबर, ग्राम पंचायत, ये सब बड़े तरीके से लिखा गया है ताकि इनको इस चीज का आभास हो कि वाकई में इनको वो पैसे मिलने वाले हैं अगर ये इस चुनाव चिन्ह में वोट डालते हैं, ईवीएम में अगर ये चुनाव चिन्ह की बटन दबाते हैं तो इनको ये सब मिलने वाला है। अब जो पंजीयक है उनका नाम है कृष्ण धर सिंह, केडी सिंह है और इसमें इन्होंने दिखाया है कि एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में और महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलेंगे। ये एक फेक डॉक्यूमेंट है जो जाल में फंसाता है वोटर्स को। इस तरह के चीजें उन लोग कांग्रेस ने चेक के साथ में कर्नाटका में, ऐसा मुझे नहीं पता, मैं कर्नाटका का नहीं हूं, पर कर्नाटका के ही किसी आदमी ने बताया था कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले यही किया था। आप हो आपको दिखा दिए ना, हर बार का पर्ची सिलेंडर वाला में रखम हेरे परी, ये देखिए फॉर्म भरा की नहीं ले गए, देख लीजिए सब फॉर्म भरे, सब कुछ आपने लगा रखा है ना, आपको आवास मिला, शौचालय भी नहीं मिला आपका, शौचालय भी नहीं मिला, जबकि ग्राम पंचायत से शौचालय फ्री में बन रहे थे एक समय में, नहीं मिला। अर्जी दया मैडम एक अर्जी दे दी, आपको आपका बना है तो पैसा आपके खाते में चला जाएगा। हम कहें अपने से हम बनवाए ले हैं, हम कहें देखो देहू ना देखो ऐसा है। नहीं तब भी कुछ मिलता आपको, आपने अपने से बनवाया तब भी मिलता नहीं मिलेगा दादा। हम कहें ठीक है फॉर्म भर दे, हम कहें देखो देहू ना देख तुम्हारे जेब ना हो, आज तक नहीं मिला, हम साफ कही थे तो उनका कुछ देख हो आगे बढ़ाती। दरअसल देखा जाए तो इनको शौचालय नहीं मिला, इनका शौचालय अधूरा है, घर प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको लाभ नहीं मिला, इनका घर भी अधूरा है। तो सब अपने से दादू, आपने अपने से कोशिश की है बनवाने की, मेहनत मजदूरी करके, पहले वहाँ रहा रहा गिर गया, मेहनत करके। हाँ, पानी से कितने बीघे जमीन है आपकी? 4 बीघा। तो फिर तो आप गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं मेरे ख्याल से। बच्चे के नाम से है ना, हमारे नाम कुछ नहीं है। अच्छा, तो मतलब एक परिवार में कितने लोगों का परिवार है आपका? 8 आदमी है। 8 आदमी के बीच में 4 बीघे की जमीन तो बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, ये रखिए। और मैं ज्यादा दादू भी कम हो तो काम तो चले। देखे ये फार्म देखी घर के, ये कौन सा फॉर्म है? पेंशन वाला। अच्छा, वृद्धा पेंशन वाला। फिर नहीं जमा किए। क्यों नहीं जमा किए? नहीं, दो तीन बार जमा किए, लोग आए कहे कि जब फिर करिए जमा है, हर बार यही बोलते हैं। हाँ, बस फॉर्म जमा कर देते हैं, सब पैसा लगता है सिलेंडर वाला। चुनाव के बाद आप 1500 रुपया लेते हैं। चुनाव के बाद आप चलिए हमारे साथ उधर तहसील में, जहाँ हम लोग आ जाएंगे, आपको नंबर देंगे, आप बुला लेना, हम लोग आ जाएंगे। तो ये पेपर आप लेके चलो फिर से एक बार जहाँ पे, जिस ऑफिस में आपने जमा करवाया था, है ना, हो सकता है कि हमारी थोड़ी सी कोशिश से आपको लाभ मिल जाए। भाई कोशिश से न मिला था, नहीं समझता,
लोग कहाँ भर देते हैं, नहीं करते हैं। सही बात है। तो ये थे लोकसभा क्षेत्र रीवा के एक नागरिक जो इतने नाराज हैं कि ये वोट देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार वोट देने जाइए, वोट का उपयोग करिए। नोटा भी है, अगर आपको किसी को नहीं देना है ना तो आप नोटा दबाइए कि आपको कोई जो जितने भी लोग लड़ रहे हैं नहीं पसंद है। नहीं, हम आप कहा करम ना, आप आए हैं घर में हमारे, आप कहेंगे तो हम आपके कहे पर देखा अपना कहें दे। देखिए गाँव हम ऐसे फिर नहीं, देखिए मैं किसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। तहसीलदार के पास हम चले, तहसीलदार से इसे बोलेंगे हम। हाँ तो आप ये करिए, आपके साथ हम चलेंगे। दूसरी चीज, हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। पटवारी मोड़े बले माने रहेगा, इसे केव जमीन जब कई देते हैं तो बुलाए तो पटवारी से इश्तिला भी करा लेते हैं का हमारे काम का नहीं, पटवारी लिखी का है तुरंत। हाँ, जहाँ पे कोई आधार नहीं है वहाँ कर देते हैं, जहाँ आधार है वहाँ नहीं करते। हम दो जने हैं बस। चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आपको नंबर देते हैं, जब आप कचहरी जाइए हमको बुलाइए। 4 बीघा में 1 बीघा हम ले हैं, 3 बीघा ही ले हैं। अपने हिसाब से आपके पास मोबाइल है उसमें देखिए, लाइफ हमारा पूरी हो गई एक फिर और देखते हैं। तबन बता तो आपको पता नहीं चलता कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है। सब पता है, पर यह है कि आपसे बता दे हैं आप या जब अपना कहन लगे फॉर्म लेके आप आएंगे हमारे यहाँ, हम चलेंगे आप सब। ठीक है, तहसीलदार पटवारी के सामने हम कब दे रहे नहीं, एक आदमी है पुलिस को वर्दी आई ना पहर के चक बक हम नहीं दे रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, डरना चाहिए ही नहीं, भारत देश बहुत स्वतंत्र देश है, बिल्कुल नहीं डरना है। हम जब गलत नहीं है तो क्यों डरें। वही गलत नहीं करना है और डरना नहीं है। चलिए, अच्छा लगा।